को इस वक्त खबर आ रही है जेके बैंक के आफरीन हसन को जो है उसे फारिग कर दिया गया है। जो आर्मी जनरल जो है परसों एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसके बाद उसने कुछ सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट किए थे, उसके बाद जो है जो ही इदारे को पता चला तो उन्हें फिफो जो है इसमें सस्पेंड कर दिया गया है। इस वजह से जांच भी बिठाई गई है। जेके बैंक के हवाले से ये खबर आ रही है। और जेके बैंक की अगर हम बात करें तो नाजिक कराम इससे पहले भी कई चीजें जेके बैंक के बारे में बताई गई है और उन पर जांच भी की गई और कई एक एम्प्लॉयज के बारे में कहीं एक अभी भी बातें चल रही है कि जम्मू कश्मीर बैंक में कहीं एक ऐसे एम्प्लॉय अभी भी मौजूद है जो बैकडोर एंट्रीज के जरिए अंदर आए हैं। और आफरीन का जो मामला है इसमें कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर उसे नोटिस भेजी गई और उसे सस्पेंड कर दिया गया है। हम कोशिश करेंगे इस बारे में जाहिद याकूब से जानने की ये मामला क्या हुआ है, इन्हें सस्पेंड क्यों किया गया, असल में सोशल मीडिया पर ऐसा क्या किया गया था। हम कोशिश करेंगे वो पोस्ट अगर हमारे एक्टर दिखाना चाहेंगे जो लेटर बाकायदे तौर पर उन्हें अरसा की गई। यह आप देख सकते हैं आफरीन हसन नकाश उनका नाम बताया जा रहा है जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मुकम्मल जानकारी साथ मेरे साथ इस वक्त बड़ा रास मौजूद है जाहिद याकूब। जेके बैंक की बार बार ये चीजें हमारे सामने आती रहती है, जेके बैंक के कई ऐसी चीजें जो सामने आए। अब जेके बैंक के एक एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया, ये मुकम्मल वाकया जरा बता दें क्या हुआ है। जी हाँ बिल्कुल तारिक, बताना चाहूंगा कि इस हवाले से जो रिपोर्ट रेलवे न्यूज को मौसूल हुई है उसके मुताबिक जेके बैंक में एक फीमेल एम्प्लॉय है जिन्होंने जो एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था तमिलनाडु में जिसमें सीडीएस बिपिन रावत की मौत हो गई थी, उस हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने एक पोस्ट किया था या एक ऐसे पोस्ट के नीचे एक ऐसी इमोजी पोस्ट की थी जिसे काबिल एतराज करार दिया जाता है। इस सिलसिले में जब बैंक के नोट्स में इस बात को लाया गया तो बैंक ने पूरी तौर उसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने इससे पहले भी कई सर्कुलर जो है इजरा किए थे और अपने एम्प्लॉय को बताया था कि वो सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी बात कोई भी ऐसा पोस्ट ना करें जो काबिल एतराज हो जिसकी वजह से आम लोगों के जज्बात जो है वो मजरूह हो जाए।